मॉर्निंग गाइज, स्कूल के रेडी हो गया ना? और इसकी इतनी लंबी कार, ओ बाप रे, पर ये गिल गया। खड़ा हो, उठ फिर उठ। ये देखो, सूज ऐसे फंसा देता है। ये लात खुल गई, लात खुल गई। क्या खुल गई? हाँ, इसके काम देखो गाइस, इसकी जॉकेट की चैन टूट गई थी ना, तो मैंने इसकी जॉकेट की चैन अच्छे से सिल दी थी। हीरोइन बन के जाती है स्कूल, हीरोइन बन के। ये देखो, और शक्ल देखो इसके भी चाइनीज की। तो इसी के साथ कर देते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ब्लॉग स्टार्टिंग बहुत दिनों बाद हो रही है, मॉर्निंग से स्टार्ट किया, थोड़ा काम जल्दी ख़त्म हो गया था मेरा आज के। मैं कहती हूँ पहले घर का टोटली काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं बांधती हूँ जानवरों को बाहर, क्योंकि गाय है ना जो वो बाहर को आने की कोशिश करते हैं अगर हम और जानवरों को बांध दे तो। इसलिए हम लेट बांधती हूँ जानवरों को। हमारे बरसन के खेत में दुनिया भर का राया, ये राया जम रखा, उस कोने में तो बहुत है, फिर भी मैंने यहाँ पर कहीं कहीं पर बचा रखा है, क्योंकि अब ये जो हमने राया बोया था उसमें पड़ गए हैं कीड़े, और तो अब ये वाला राया हम लोग सब्जी में यूज करेंगे। और आज बहुत दिनों बाद फिर से होने लग गया फर्श का काम कंटिन्यू, और जीजा जी खाने लग गए हैं खाना। और सवेरे बना दिया था मैंने भात, बच्चों के नाश्ता बनाया, दो चार रोटियां बना दी ताकि अगर किसी को रोटी खानी हो तो रोटी खा सकता है इसलिए, और भात भी बना दिया। और आज मैंने बना रखा भट्टे की छड़खानी, कल था बल भट्टे का सिल पट्टे में पिसा हुआ साग, और आज बना रहे हम भट्टे की छड़खानी। और यहाँ पर आ गए हैं मिस्त्री वगैरह, तो अभी एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, दो दिन में होगा काम कंप्लीट। ये मिस्त्री और वो लेबर वहाँ पर मिक्स हो रहा है मसाला, इसके पापा का है अभी घर आने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अब वो आ जाएंगे तो ज़्यादा जानकारी वही देंगे इन लोगों को, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ अता पता नहीं है। और गाय हमारी वहाँ पे छो गई है मुस्कान, वो दोनों खा रहे हैं, तो अब थोड़ी देर बाद हमको थोड़ी भूख जैसी लग रही है, मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए हैं ठेकेदार जी, कल कहा था आज ये पहुँच गए, तो ये पढ़ने लग गया फर्श। इसमें क्या हो गया, तो मसाला उस वाले में कुछ ज़्यादा पड़ गया है तो इस वाले में डाल रहे हैं, क्योंकि तो गाइस अभी बज गए दिन के बाहर, खाना पीना हम लोगों ने सवेरे खा लिया था, और अभी पढ़ रहा है खाना फर्स्ट, सभी बरसम वगैरह मैंने काट के, अब थोड़ी देर का रेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1:30 बजे प्रकट हो जाएगा लड़का, इस वजह से ऑफकोर्स काम है नहीं, क्योंकि इधर फर्श वर्ष पड़ रहा तो कुछ हो गया था दोबारा, वो मतलब जो अभी वाला मटेरियल है उसको निकाल के फिर वहाँ पर करें, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर रोड़े कम हो गए थे और मसाला कुछ ज़्यादा पड़ गया है, तो ठेकेदार जी बार मुझे घाटा हो गया है करके इस वजह से, तो उसमें से निकाल के उसमें डाला जा रहा है। तो गाइस आज हमने बहुत दिनों बाद अपना तोता खोल रखा नीचे। बिट्टू, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। इसको देखो, दुकान दुकान, कौन सी दुकान? तो गाइस फिर से आ गया सामान, क्योंकि रेत हो गया था खत्म। कौन दीदी को सर क्या कह रहे थे? तो गाइस आज बहुत दिनों बाद फिर से कट गई है मेरी हरी सब्जी, और उन दिनों का देखो आग ताप रहे हैं। क्या कर रहा है?
तो हो गए शाम होने ही लग गए लगभग, अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा कोने बच गया तो मसाला दोबारा बन रहा है। और ये मालिक साहब भी आ गए हैं देखने के लिए, ये देखो ये सब बता देंगे कहाँ पे कैसा करना है, कहाँ पे कैसा करना है करके। और ये हमारी बिल्ली पूशी। हाँ तो फाइनली गाइस शाम हो गई है, सब्ज़ी मेरी कट गई है, दादा भी मेरा बन गया। आजकल मैं खाना क्या करती हूँ, वो कहाँ है वो उधर चूल्हा बना रखा है दादा पकाने के लिए। मैं शाम को रोटी सब्जी तो कभी कभी, मतलब रोटी मैं वहीं बनाती हूँ चूल्हे में आराम से बैठ कर। क्या होता है आग भी ताप लेते हैं और खाना भी बन जाता है, आराम से बैठ के बनाओ, गैस की बचत कर रही हूँ क्योंकि गोबर गैस कम आ रही है। तो अभी बहुत शाम हो गई है, अभी इनका काम ही चल रहा है, गोर बच्चे मैंने कर दिए हैं पैक। पर मैंने यहाँ पे बाड़ बनाया, मतलब ढका नहीं है इसको, तो अब इसको ढकते हैं। और पता है जानवर के वहाँ पर ठंडा हो जाकर खाली, पहले तो खाली वैसे ही करके ढकते थे। मैंने इतना बड़ा कंबल है जो ये कंबल को मैंने पाइपों में सिल रखा है, इसको सिल के उसमें बाहर से दरवाज़ा बंद इसको लगा देती हूँ। होता है ना जानवर को ठंडा हो रहा करके, मतलब हर कोशिश है मेरी कि उनको मैं ठंडे से बचाऊँ करके। क्या पता कभी हमारे भी दिन ऐसे आ जाए तो रहने के लिए, ये मेरे लिए सही होगा ना, ऐसा वो बनाऊँगी फिर उसके बाहर से ढकने के लिए या उसके अंदर झोपड़ी जैसी बनाने के लिए। अपने लिए भी हो सकता है ये, बस मेरी सगी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके मैं काटूँ छत में कपड़े जो खुश उठाकर लेकर आएगी, कि छत में जाने में बाल जैसा लग रहा है। तो पहले हम इसको ले चलते हैं, बहुत भारी होता है ना, मैं वो नहीं बन सकती हूँ खली, तो इसलिए हम इसको दोनों हाथों से उठाकर लेकर जाएंगे वहाँ पर लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये रो रहा है ना क्योंकि इसको स्कूल का वर्क कराया जा रहा है, इसलिए ये रो रहा है। और इसके हाथ इतने चलते हैं ना आजकल, क्या बताऊँ ना, बैड बॉय है गाइज ये, बैड बॉय, क्योंकि स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है। और दीदी की कैप पहनी है इसने, हाँ गंदा है ये। तो फाइनली हो गए 6:30, खाना पीना हम लोगों का बन के खा खो के अंदर आ गए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं खाना। तो अब बारी है इनको थोड़ा वर्क कराने की, होमवर्क इसने अभी कंप्लीट नहीं कर रखा है, बड़ी वाली ने कर दिया क्योंकि उसको फ़ोन चाहिए होता है होमवर्क करने के लिए, और इसको साथ में कार्टून चलाओ तब जाके वर्क करता है। बट इसकी मैम बोल रही थी ना इसको आज कार्टून मत देना, नहीं तो मैं ऋषि को कह रही थी स्कूल में बहुत मारूंगी, इसको बिना कार्टून दिखाए होमवर्क कराना है ना, कार्टून देखे वर्क करना है। हाँ इसकी मैम यार वीडियो पक्का देखना है, अपनी मम्मी को कैसे मारता है और कार्टून मांगता है करके। हाँ ऋषि की मैम कौन सी मैम है तेरी, हाँ इसकी हेमा मैम है ना, हाँ पक्का देखना ये वाली वीडियो, ये कैसे लड़ रहा है देखो ये। हाँ ये तो गाइस, और इसको कराते थोड़ा वर्क हर्क, और हमारा अभी मकान का काम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब फर्श का काम कंप्लीट नहीं हो रखा, 2 दिन लगने वाले हैं बोला। तो अभी छत में थोड़ा टंकी वंकी का भी काम करवाना है। ओ मैडम काम करो, इनसे किताब पढ़ जो कहते हो सोचते हैं ना, पता नहीं कौन सा वाला बोझ हम लोगों के सर पर रख दे रहे हैं, किताब पढ़ने के नाम से जय राम जी की। इसको देखो ये क्या हमारा बाबू पर पूरा होमवर्क कर देता है ना, हाँ डिफॉल्ट डॉग बना रखा है इसने अपना, जैसा डॉग बनाया है ना बनाऊंगा। तो गाइज इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।